दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट होने से इंजन सहित 9 वैगनों के पटरी से उतर जाने के कारण रद्द हुई ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री हुए परेशान। दुर्ग रेलवे स्टेशन में दिखी यात्रियों की भीड़। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट उपरांत इंजन सहित 9 वैगनों के पटरी से उतर जाने के कारण इस मार्ग पर अप डाउन एवं मिडिल तीनों लाइन पर रेल परिचालन अवरुद्ध होने के कारण इस मार्ग पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ, जिसके चलते दुर्ग से चलने वाली निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंदिया कचपुरा जबलपुर न्यू कटनी के रास्ते चलाई गई। इसके चलते उस ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि रेलवे प्रबंधन द्वारा इससे समस्या से निपटने के लिए दुर्ग स्टेशन पर अपने विभागीय अधिकारी व टीटी के माध्यम से काउंटर लगाकर सफर कर रहे यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया गया। पाठक है और पवन पाठक है और रेलवे की इतनी बड़ी भूल चूक हो रही है कि आज देखिए टिकट कन्फर्म करने के बाद भी और उसके बाद स्टेशन आने पर पता चल रहा है कि आपका मार्ग डाइवर्ट किया गया है। ये बताइए सबसे बड़ी रेलवे की इतनी बड़ी गलती है। आप मैसेज के जरिए शो कर सकते थे परंतु नहीं किए उन्होंने, तो ये रेलवे की सबसे बड़ी गलती है। इसके लिए हर भाई आप जितने भी रेलवे यात्री हैं उनके लिए आप तो कुछ तो हर्जाना करना चाहेंगे और आप उनके लिए कुछ व्यवस्था करिए। लेकिन ये तो हादसा तो ये मानवीय क्रिया से हुई है ना कि हमसे हुई है, यात्री तो नहीं करे हैं हादसा, ये तो रेलवे की कमी से हुई है और रेलवे इसके लिए रेलवे जिम्मेदार है। रेलवे जब हमसे पूरा पैसा लेता है तो रेलवे इसके लिए जिम्मेदार तो रेलवे भी है ना। तो आप क्या चाहते हैं, आपने गंतव्य स्थान जाने के लिए क्या क्या करवाना सर? कम से कम हमको जब कटनी तक पहुँचा रहे हैं, जब हम दुर्ग से निकल रहे कटनी तक हमको पहुँचा रहे हैं, हमको शहडोल जाना है और कटनी तक हमको पहुँचा रहे हैं, तो कम से कम हमको कटनी से शहडोल तक के मुआवजा भी दिया जाए। और मैं आपका आज मेरा टिकट था संपर्क क्रांति का, जिसमें मेरे को जाना था शहडोल जाना था, तो अभी यहाँ आने पर मालूम चला कि गाड़ी का ना आपका रास्ता है परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे वो बोल रहे हैं कि आपको कटनी जाना पड़ेगा। फिर आपको कटनी से अपनी साधन अनुसार जो भी होगा आपका बस से जिससे भी आप जा सकते हैं, फिर कटनी के मार्ग से आप अपना रास्ता वो देख के उसमें फिर आप आगे जा सकते हैं। नहीं था मार्ग डाइवर्ट का अभी आपका जब स्टेशन आए तब मालूम चला कि हमको ट्रेन में बैठने के लिए आए। नहीं, हाँ ट्रेन में बैठने के लिए आए, आज ही का रिजर्वेशन था हमारा संपर्क क्रांति का, जब अभी आया हूँ तो यहाँ पर मालूम चला कि आपका हमारा गाड़ी का ना रास्ता ना डाइवर्ट कर दिया गया है, शेड्यूल गाड़ी नहीं जाएगी, वो गाड़ी आपका गोंदिया होते हुए कटनी जाएगी। कितना नुकसान तकलीफ हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है, कल हमको बहुत अर्जेंटली हमको पहुँचना था, गाँव पहुँचना था, अब हमको समय लग जाएगा, हमको एक दो दिन तीन जो भी लग जाए उधर घूम के जाना पड़ेगा और जाना अर्जेंट है, हमको जरूरी था और टिकट भी हमारा कम कर दिए। तो रेलवे की पूरी सरासर गलती निकल रही है। क्या मांग करते हैं रेलवे से? अब रेलवे से ही मांग करते हैं, हमको कटनी ले जा रहे हैं, लेकिन हमको कटनी से हमारा कोई सुविधा तो करना चाहिए उनको कटनी से। भाई हमको जैसे हमको शहडोल जाना था तो शहडोल से हमारी कोई जो व्यवस्था था कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करना चाहिए उसके लिए, रेलवे से तो यही है। रायपुर निवासी हूँ, मुझे दिल्ली जाना था और बिलासपुर कटनी रोड में कुछ दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन लेट हो जाने के कारण हमको रायपुर से ट्रेन नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हमने जो भी टैक्सी भाड़ा करके दुर्ग आना आए हैं और यहाँ से जो भी ट्रेन दिए हैं 2 बजे का समय उसके लिए हम उस 2 बजे वाली ट्रेन से जाएंगे। कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था संपर्क क्रांति से। तकलीफ तो ऐसे हुआ है बहुत, और भी पैसेंजर हैं उनको भी बहुत तकलीफ है, जो कि बस से ट्रेन अब तो ट्रेन रद्द हो चुकी है रायपुर से, तो क्या है कई जो है पैसेंजर अपना ऑटो से बस से वैसे अपने अपने व्यवस्था से आ रहे हैं, उनको तो परेशानी हो रही है, हमको भी परेशानी हुई है, फिर भी हम अपने सुविधा अनुसार रायपुर दुर्ग स्टेशन पहुँच चुके हैं। आपको जानकारी मिली कि रूट चेंज किया? हाँ हमको जानकारी मिली थी रूट चेंज हो गया है करके, ऐसे पेपर में भी एक बार न्यूज़ आ चुका था, मगर जो ट्रेन लेट हो गई है उसके लिए जस्ट रायपुरी से सूचना मिलने के बाद हम लोग दुर्ग स्टेशन पहुँचे। कितने बजे सूचना मिली आपको? सूचना हमको करीब 10:30 बजे मिली है सर, 10:30।
वहीं रेलवे ने इस समस्या से यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1072 भी जारी किया। बावजूद इसके दुर्ग से बिलासपुर की दिशा में जाने वाली ट्रेन की दिशा बदल जाने के कारण संपर्क क्रांति में सफर कर रहे यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इस हादसे के कारण लगभग 10 ट्रेनें रद्द की गई तो कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज प्रातः सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट करने के उपरांत इंजन सहित 9 वैगन डिरेलमेंट हो गया है। इसके फलस्वरूप अप डाउन एवं मिड लाइन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रेल परिचालन अवरुद्ध है। इसमें हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, 2 ट्रेन डाइवर्ट हुई है और 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। इस हादसे के बाद सिंहपुर स्टेशन पर रिस्टोरेशन का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसके चलते लगभग 10 ट्रेनों को रद्द व 4 ट्रेन गंतव्य से पहले समाप्त एवं देरी से रवाना की गई और 2 ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित भी किया गया है। जो हमारा जो ये संपर्क ट्रेन था उसका जो डाइवर्टर रूट में जाने के लिए जो प्रोग्राम हुआ था, हम लोग दूर और रायपुर जो पैसेंजर है और उन लोग को रेलवे अपना एक स्पेशल एक लोकल ट्रेन में प्रोविजन किया गया है, वहाँ से लेकर आएंगे और यहाँ से लेकर जाएंगे। तो किस तरह की परेशानी कितने दिन तक सॉल्व हो जाएगा क्या जो नहीं, मेरा ख्याल से तो 90% सॉल्व हो गया है। हो सकता है अभी तक मैसेज नहीं आया, जो आओ जो दोनों गाड़ी है सारनाथ और अमरकंटक, हो सकता है वो शाम तक वो अपना नॉर्मल रूट में चल सकता है। क्योंकि काल से वो GM साहब ऑनरेबल GM साहब है, CRS साहब है, बड़ा बड़ा अधिकारी साहब साइड में है। हो सकता है आज अभी तो मैसेज नहीं आया, मैं बोलना ठीक नहीं है, फिर भी लग रहा है कि शाम तक नॉर्मल रूट में चलने का चांस है। ये क्या कारण हुआ था, क्या घटना हुई? ये जो सिंहपुर में जो एक ट्रेन खड़ी था गुड्स ट्रेन का और दूसरा गुड्स ट्रेन जो आपका स्पार हुआ था सिग्नल पासिंग अन डेंजर में आकर के टकरा गया था, जिसका कारण से दुर्घटना घटा था और उसके लिए वो 3 लाइन पूरा अफेक्टेड हो गया था, जिसके कारण से वो ट्रेन जा नहीं पा रहा था। और मेरे को उम्मीद लग रहा है कि आज नॉर्मल वे में कुछ ना कुछ गाड़ी चलेगा ही चलेगा। ठीक, आपका परिचय? तो मैं जय प्रधान, चीफ स्टेशन मैनेजर दूर। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।